क्योंकि यू नो ये क्या होता है कि जब हम कोई मैसेज देते हैं ना जैसे कि एक गाना होता है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जहां पे मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन हमको इट वॉज वेरी क्लियर बोथ फ्रॉम चिंतन एंड फ्रॉम वैशाखी दैट वी वॉन्ट टू मेक दिस सॉन्ग थोड़ा एंटरटेनिंग फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवानश की हेल्प ली ही वर्क विद एस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है सिंगर है तो उसने Uh, कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको इस तरह से करते वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे मैशा कीट क्लियर उसके क्लियर थे लेकिन मैं इस गाने को अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है तो मैं थोड़ा <laughs> मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था शिवांश मेरे से uh, मेरी आधे आधी उम्र का है मतलब हिस्स हाफ माई एज तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा मुझे आई आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है एंड सो दे थोड़ा सा देन वी दोनों को मिक्स करके uh, कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवाज ने कुछ सजेस्ट किया एंड इस तरह से बात बनी वीडियो जब वीडियो पर भी जब बात आई तो यू you नो know, कुछ कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है वी शुड वी शुड मेक इट अल मोर डिफरेंटली तो ये जो गाना था वो थोड़ा

अगर आप गोरी दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे तो उससे बिहेवियर चेंज होता है साइंस you know, you know, वही प्रूफ हुआ है की जब लोग साइकोलॉजिकली स्केयर होते हैं फिर उनका एटीट्यूड और परसेप्शन चेंज होता है और फिर वो बिहेवियर का अपना इंटेंशन चेंज करते हैं एंड अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो आगे जाके यूज ओके सो वेन पीपल कम टू मी कैंसर तो इज माई डे एंड नाइट जॉब बट दईडिया एज के जो उनके साथ आते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड एज वैशाखी असैड मुझे गुटका भी डालना है स्मोकलस भी डालना है दैक्ट दैट इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल मार्केट में दिस इज द प्रॉब्लम एंड you know wherever there's variety there's also a variety of disease which is going to happen so bahut tarike ke log bhi aate hain bahut tarike ke bimariyan bhi aate hain now when it comes to this i think the like you all have highlighted the main thing is ke the family members should also be sensitized ke अच्छा ये you know दे से कि ऊपर वाले ने दिया है ये तो कुछ चाय भी नहीं पीते थे ये तो ये भी नहीं करते थे So people are yet in that denial. ये तो तंबाकू से तो होता ही नहीं है क्योंकि बहुत सालों से हमारे माँ बाप भी खा रहे थे हमारे दादा परदादा भी खाते थे तो उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है तो तो कैंसर एक एस्पेक्ट है आप देखो तो जो कैंसर जैसे सबने बोला है कैंसर तो हो गया है आदमी खत्म हो गया पर जो ब्लड प्रेशर होता है डायबिटीज होता है दीज आर लाइफस्टाइल किलर्स तो Imagine living your whole life आप एक ही गोली दो गोली तीन गोली आप खाते जाओ जब तक आप नहीं जाओ वर्सेस आप एक ही बार में खत्म हो जाओ। I mean my answer is pretty much similar to what Webby said because we've been working on this campaign since I think four months now. Started this four months back. Five months. Yeah, four five months back, Uh, where uh, as Web Rangers, we collaborated with Vital Strategies in uh, establishing.

तो ये सारे चीज को काउंटर करने के लिए ही दैट्स व्हेन थॉट टुगेदर दैट लेट्स कम अप विद एन एंथम व्हिच विल बी अपीलिंग अ टू द जनरेशन दैट वी आर टारगेटिंग एट द सेम टाइम इट विल हेल्प अस क्रिएट द मेजिंग एंड ओबियसली आईव नोन एंड इरफान सिंस द स्टार्ट ऑफ माय करियर एंड थ्रू आउट एंड

किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है ये अच्छा है ये गलत है आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसके इसका जो प्रभाव है इसका जो इफेक्ट इसकी जो इफ़ेक्ट्स है इसके कितने यू नो you know, और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसका इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी को अपनी जो ज़िंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप यू नो खुशहाल और बनाइए दैट्स ऑल वी आर सेइंग बट ऑफ कोर्स बहुत सटली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है जिस तरह से वैशा और चिंतन ने सोचा है uh, वो बहुत ही अच्छे से कमाल से बहुत पोइटिकली इस वीडियो में शामिल है एंड I, I, so, बस थोड़ा ऐड I, इसमें I, I, क्योंकि चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती कि influencers engage करने है कैसे चैलेंज so, uh, like, <laughs> 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 so, uh... तो वैसे ऑनेस्टली हर प्रोजेक्ट में होता है चाहे वो एक फिल्म का हो या चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग हो या कुछ भी हो uh, जिस जो चीज हम करना चाह रहे थे ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये मैसेजिंग जो था वो आ, थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुंचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ यू नो you know, तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुँचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता इतना क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसको गवाना है या सिर्फ किसी को किसी के मन में खुशियाँ ले आना है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज म्यूजिक वो आम उमम कर देता है नेचुरली कर लेता है बट कभी किसी को कोई चीज सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागृत करना हो तो वो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है तो इट वॉज स्लाइटली मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर फिल्म एंड एड और एनी अदर म्यूजिकल प्रोजेक्ट पर जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है सर आपसे सवाल है? करना आ, तो से हमारा डिस्कशन हो चुका है मैं आपको खाली एक शॉर्ट में बताया था मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी राइट साइड दिखाना है मतलब दो तरीके होते हैं ना एक तो मैं आपको डरा दूँ कि आप गिर जाओगे और तो एक आपको बोलूँ संभल के चलो तो बात वही है बट अप्रोच अलग है सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते और जब गिर जाओगे कहूँगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पर ध्यान रखो तो

Yeah, okay, भाई, वो आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसी वैसे पिक्चर्स दिखाओ वैसे इमेजेस दिखाओ वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे आपको ये हो जाएगा आपको वो हो जाएगा वो डराने से बेहतर आई थॉट टॉक अबाउट द्राइटर साइड ऑफ लाइफ लाइफ इट्स तो दैट्स वो बेसिकली यू नो वो वोट दॉज इट वॉज डिफिकल्टू कन्विंस एवरीबडी बट देन फाइनली आई एम ए ग्लैड दैट यू नो इट लुकिंग द वे इट इज लुकिंग एंड वो मैसेज शायद आई होप के इट विल बी सेंड अगर बिकॉज आज ऐसे गाने क्या हैं लोग सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी लोग शायद सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस उसके इमेजेस आ जाएंगे वीडियो के विच विल समवेयर माइट हिट पीपल यू नो और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जिंदगी जी